नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं राजधानी समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं अब आज की खास खबरों की ओर। अलीराजपुर जिले के जोबटनगर में नदी में जलकुंभी का डेरा और गायत्री शक्तिपीठ के बैनर तले हुआ श्रमदान। कई वर्षों से किया जा रहा नदी साफ सफाई का अभियान। कल बहने वाली डोही नदी में जलकुंभी ने महीनों से अपना डेरा जमा लिया है, जिस ओर किसी का भी ध्यान ही नहीं गया। वहीं डोही नदी को कल बहता देखने व उसकी साफ सफाई को लेकर धार्मिक सामाजिक पर्यावरण संस्था गायत्री शक्तिपीठ द्वारा नदी को बचाने के लिए कई वर्षों से साफ सफाई अभियान व गहरीकरण कार्य के लिए श्रमदान किए गए। तो वहीं तत्कालीन एसडीएम द्वारा डोही नदी का गहरीकरण भी करवाया गया, जिसके बाद नदी में भरपूर पानी दिखाई देने लगा। वहीं गत वर्ष कोरोना काल के चलते साफ सफाई व गहरीकरण का कार्य नहीं हो सका, जिसके बाद जलकुंभी ने पूरी तरह से फेल कर उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया, जिसके बाद आज नगर की शक्तिपीठ संस्था द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिन का साफ सफाई व गहरीकरण का कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद शाम को डोही नदी का कुछ हिस्सा व घोट साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। राजधानी समाचार के लिए जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सर, आपकी क्या अपील है? सर, हमारी अपील यह है कि इस नदी को गंदा न करें। नदी पर गायत्री शक्तिपीठ ने बोर्ड भी लगाया है कि डोही नदी हमारी जीवनदायिनी है, कचरा इसमें न फेंकें। फिर भी लोग कचरा फेंकने में आगे हैं ऐसा मानते हैं, और लॉकडाउन में लोगों ने देखा नहीं, लोग चुपचाप कचरा फेंकते रहे, इसलिए इस वर्ष कचरा सबसे अधिक है। और हमने नगर में आह्वान किया है, अनाउंस भी करवाया है समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और 100 से अधिक घरों पर हम स्वयं गए, हम और हमारे साथी शिवराम वर्मा जी, अनिल श्रीवास्तव, राम सिंह चौहान प्रवाजक। उनसे अपील की कि आप आएँ और 1-2 घंटे का हमें समय दें, सहयोग करें ताकि नदी में पानी दिखाई देने लगे। गायत्री शक्तिपीठ पिछले 10 वर्षों से डोही नदी का सफाई अभियान चलाता है वर्ष में एक बार। उसी क्रम में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सारे कार्यकर्ता और नगर में जो समितियाँ हैं, समाज हैं, उनसे भी सहयोग से क्रम चल रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष नदी में गंदगी अधिक बढ़ी है। कभी भी इसमें ये घास नहीं उगती थी, इस बार घास से पूरी नदी पटी हुई है। ऐसा लगता है कि घास की चादर नदी में बिछा दी गई है। हाँ, 10 बजे प्रारंभ हुआ ये क्रम। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दीपक चौहान जी और हमारे शक्तिपीठ के विद्यालय के सहयोगी श्री मेवालाल जगरवाल उपस्थित थे। उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया श्रमदान करके। नगर पंचायत के कर्मचारी, PWD कर्मचारी, RES कर्मचारी, सारे समाजों के लोग यहाँ पर आए। महिला मंडल की महिलाएं भी आईं और उन्होंने निरंतर इस सेवा कार्य में अपना योगदान दिया। And press the bell icon. Never miss an update.